ऐसा मंदिर जहां पुजारी नहीं बल्कि एक बंदर करता है हनुमान जी की पूजा। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य बंदर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कोई ऐसा वैसा वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी का ही आशीर्वाद है और विशेष कृपा का पात्र भी है। इस बंदर की सबसे खास बात यह है कि ये सुबह सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करता है और रात के समय हनुमान जी के मंदिर की रखवाली करता है। ये बंदर भी सच्चे हनुमान भक्त की तरह तिलक लगाता है, यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को आशीर्वाद भी देता है और ये बंदर आरती के दौरान मंदिर में घंटी भी बजाता है। इस बंदर का नाम रामू है, जो रामू आरती के दौरान मंदिर में रखी घंटियां और झांझ बजाता है और साथ ही ये भजन होने पर नृत्य भी करता है। साथ ही जब मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो रामू वहाँ चुपचाप बैठकर सुनता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अजमेर के बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर के बारे में, जहाँ एक पुजारी नहीं बल्कि एक बंदर करता है हनुमान जी की पूजा। और बजरंगगढ़ के हनुमान मंदिर के रामू का मंदिर के चौकीदार ओमकार सिंह से काफी करीबी रिश्ता है। ओमकार सिंह का कहना है कि रामू मदारी को छोड़कर करीब 8 साल पहले यहां आ गया था। जब वो मंदिर में घूम रहा था तो ओमकार सिंह ने देखा कि वो बहुत बीमार था। उस दौरान केवल ओमकार सिंह ने ही रामू की देखभाल की, तब से दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ता है। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि रामू इस मंदिर के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि रामू के यहाँ आने के बाद यहाँ आने वाले भक्तों को काफी फायदा हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि रामू बालाजी के रूप में इस मंदिर की रक्षा करता है। दरअसल बजरंगगढ़ का ये हनुमान मंदिर अजमेर में स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का ये नजारा वाकई बहुत ही दुर्लभ है, रामू को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। अजमेर स्थित इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का मुख खुला है। मान्यता ये है कि भक्त द्वारा दिया गया प्रसाद सीधे बजरंगबली के मुख तक जाता है। तो इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय बजरंगबली, जय श्री राम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।